गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? आई होप यू आर आल्सो गुड. टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट. ओके, नाउ स्टार्ट. दिस इज योर हिंदी बुक. ओपन योर हिंदी बुक. जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया है, आ से ज्ञा, मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ आ से ज्ञा. अब आपको मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाऊंगी. ओके, दो वर्ण वाले शब्द, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बिना मात्रा वाले दो वर्ण वाले शब्द. ओके, नाउ स्टार्ट. ग ज गज, र ज रज, भ ज भज, स ज सज, ह ज हज, ख त खत, न त नत, छ त छत, म त मत, ल त लत. मैं आपको पूरा नहीं रीड कराऊंगी, ये आपको खुद से पूरा रीड करना, क्योंकि आप पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये आता है. ओके ना, नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्या है, तीन वर्ण वाले शब्द. आपको तीन वर्ण वाले भी शब्द रीड करना है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ. मैं थोड़ा ही बताऊँगी क्योंकि आपको ये सब आता है, आपको मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया है, इसलिए मैं इसको पूरा रीड नहीं कराऊँगी, बट आपको पूरा पढ़ना है. श ह र शहर, न ह र नहर, ठ ह र ठहर, म ह र महर, ल ह र लहर, म ह ल महल, च ह ल चहल, प ह ल पहल. आपको शहर से लेकर भड़क तक खुद ही रीड करना. मैंने थोड़ा बता दिया, आपको ये भी आता है, आपको दो अक्षर वाले भी आते हैं, आपको तीन अक्षर वाले भी. नेक्स्ट क्या है, चार वर्ण वाले शब्द. आपको ये भी रीड कराया मैंने, आपको याद होगा मैं आपसे रीडिंग करवाती थी ना क्लास में, आपको आता है ना पढ़ना, तो आप खुद से रीडिंग करोगे. फिर भी मैं अभी यहाँ थोड़ा सा बता दे रही हूँ आपको कि किस तरह से आपको पढ़ना है. ख ट प ट, खट पट, झ ट झट, प ट पट, झट पट, स र सर, प ट पट, सर पट, न ट नट, ख ट खट, नट खट. आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो आप दो दो वर्ड लेकर पढ़ सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ा ना, ना टा नट, खा टा खट, फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ना टा नट, खा टा खट, नट खट. आप इस तरह से भी पढ़ सकते हो, बट आपको आता है तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है. जिनको नहीं आता है वो पढ़ेंगे इस तरह से, आपको ऐसे पढ़ना, प ट प ट पट पट. ओके, आपको ये यहाँ तक पतझड़ तक खुद से रीडिंग करना है. मैंने कहाँ से पढ़ा था, ग ज गज. आपको ग ज गज से प त झड़ पतझड़ तक 10 times, कम से कम मैक्सिमम 10 times पढ़ना है, 10 times रीडिंग करना है. ओके डियर पेरेंट्स, आपको बच्चे को बोलना है कि गज ज गज से पतझड़ तक कम से कम 10 times 10 बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें. आपको उसको देखना भी है कि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपको देखना है. क्योंकि हम पिछली कक्षा में हम ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए बच्चों को आता है, इसलिए आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको फिर भी देखना है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है. ओके, मैं लिखना इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी. ओके, थैंक यू सो मच.